हेलो रीन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत अमेजिंग आज की क्लास के साथ। तो आप लोगों को टॉपिक शो हो ही रहा होगा, तो 2022 में जो टीचिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, एक पूरा कैलेंडर 2022 का ऑफिशियली आ चुका है, तो उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं, जो आप लोगों के लिए एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी पहले से ही प्रिपेयर या प्रिपरेशन करने की। तो स्टार्ट करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग अपना लाइक इट जरूर दे दें, क्योंकि आप लोगों के लाइक इट से ही मुझे एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है रेगुलर क्लासेस लाने का, अपडेशन लाने का। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो 2022 में हमारे सामने कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, और सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा टीचिंग प्रोफेशन एक बेस्ट प्रोफेशन है, जहां पर आप लोग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ एक तरीके से पोस्ट होती है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। पीआरटी यानी कि एक तरीके से प्राइमरी लेवल, जिसे या जिसके अंदर आप लोग फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक को टीच कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी, जिसमें आप लोग 10th क्लास तक यानी कि 6 to 10th क्लास तक आप लोग टीच कर सकते हैं। एंड पीजीटी लेवल जो हमारा 11th एंड 12th तक के कैंडिडेट्स को टीच करने के लिए होता है। तो अगर आप लोग कर रहे हैं अभी एक तरीके से, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इन तीनों में से मैच करती है, तो आप लोग, बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों के सामने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में वैकेंसीज अपकमिंग रहेंगी। तो स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आरटेट यानी कि रीट की बात करेंगे, इसे आरटेट भी कहा जाता है, और इसके अंदर 32,000 वैकेंसीज हैं, जो एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये एग्जाम डेट्स रहेंगे आप लोगों के सामने, ऑफिशियली है ये एग्जाम डेट, उड़ती उड़ती खबर नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ऑफिशियल आ चुका है सब कुछ। तो रीट जो हमारा 14 एंड 15 मई 2022 को होने वाला है, अभी तक इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट एक अपडेशन एग्जाम के तौर पर आप लोगों को दे दिया है कि आप लोग तैयारी शुरू कर दें। यूपी टेट 23 जनवरी यानी कि अपकमिंग है, और कुछ ही दिन रह गए हैं, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी। एमपी टेट का नोटिफिकेशन काफी टाइम पहले आ चुका था, बट फिर से इसे नोटिफाई कर दिया है कि 5 मार्च 2022 को आप लोगों का एग्जाम होगा। यूजीसी नेट 2021 इसलिए है, यहाँ पर मैंने 21 भी शो किया हुआ है, इसलिए क्या हुआ ये 21, क्योंकि मतलब ये फॉर्म फिल हुए थे 2021 में, यूजीसी नेट 2021 में फॉर्म फिल हुए थे, बट फाइनली इसका एग्जाम जून में होगा। ओडिशा टेट मार्च में होगा 2022 में। एपीएस की तो वैकेंसीज 2022 में ही आई है, तो इसका एग्जाम 19 एंड 20 फरवरी 2022 को होगा। डी ट्रिपल एस बी, पी आर टी, टी जी टी, पी जी टी एंड ड्रॉइंग एंड अदर नॉन टीचिंग एग्जाम्स की वैकेंसीज आई थी 2021 में, उनका एग्जाम यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को। पी आर टी 1 to 30 सेप्टेम्बर 2022 के बीच में होगा एग्जाम। डी ट्रिपल एस बी ड्रॉइंग 1 to 31 जुलाई 2022 के बीच में। और टी जी टी आप लोगों का जो 21 में फॉर्म फिल हुए थे, 1 to 31 जुलाई 2022, मतलब बीच में कोई भी डेट निकल सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि पहले से लेकर 31 तक कोई भी डेट। आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दें कि भाई ज्यादा टाइम तो नहीं है, 4 से 5 महीने हैं, फिर भी कंटिन्यू करें। और पीजीटी लेक्चरर इसके जो एग्जाम है ये पहले होगा अप्रैल, अप्रैल के बाद जुलाई, फिर सितंबर, मतलब पहले पीजीटी होगा, फिर टीजीटी होगा, फिर पीआरटी होगा, ठीक है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अप्रैल पीजीटी के लिए तो ज्यादा टाइम नहीं है, फरवरी मार्च के बाद तो एग्जाम हो ही जाएगा, 2 ढाई महीने आप लोगों के पास कंटिन्यू रखें। ये ऑफिशियल डेट्स हैं, मैं ऑलरेडी इस बात को पहले भी बोल चुकी हूँ, ऑफिशियल डेट्स हैं ये एक तरीके से वेबसाइट्स पर ऑफिशियली आ चुकी हैं। जो भी कैंडिडेट जिस भी एग्जाम से मतलब बिलोंग करता है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, और ध्यान में रखें कि इस डेट को एग्जाम है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी, अपना टाइम टेबल, अपना पूरा मटीरियल कंटिन्यू करें एक तरीके से, बिल्कुल, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों के सामने ऑफिशियली आ चुका है। अब चलते हैं अपकमिंग वैकेंसीज, मतलब चांसेस मतलब कि हैं इस चीज के, और ये एक तरीके से ऑफिशियल भी है, अनऑफिशियल भी है, मतलब जो ऑफिशियल साइट्स हैं उन पर कहीं ना कहीं ये चीजें आ चुकी हैं। तो भाई सुपर टेट, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं सुपर टेट का वेट कर रहे हैं, तो एग्जाम डेट अप्रैल 2022 में बता रहे हैं, यानी कि अपकमिंग मंथ में आप लोगों के सामने इसके भी नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म फिल करने का। और टेंटेटिवली है यानी कि अनिश्चित तौर पर यहाँ पर 17,000 के अराउंड वैकेंसीज आए। डी ट्रिपल प्लस बी की नई वैकेंसीज आ सकती हैं, एग्जाम डेट 2022 में हो सकता है। वैसे जो ओल्ड है, जो ओल्ड वैकेंसीज हैं उसका एग्जाम मतलब
मतलब पीजीटी का एग्जाम रहेगा अप्रैल में, बाकी तो आगे जुलाई और सितंबर में होगा न्यू वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। पंजाब मास्टर के अकॉर्डिंग ये भी अपकमिंग रहेगा, और पंजाब लेक्चरर रिक्वायरमेंट ये भी मार्च, ठीक है। और उड़ीसा, इसकी वैकेंसीज हमारी 2021 में आई थी, ठीक है, और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है ये 2022 रहेगा, ठीक है। और इसमें ये सारे के सारे एक एवरेज निकाली हुई है कि इतनी इतनी वैकेंसीज आने वाले हैं या चांसेस आने के। और डी ट्रिपल एस भी में देख सकते हैं न्यू वैकेंसीज 6,600 से ज्यादा आ सकती है पिछली बार के अकॉर्डिंग। एनवीएस की नॉन टीचिंग वैकेंसीज आ चुकी हैं, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, ठीक है, तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और टीचिंग वैकेंसीज भी अपकमिंग रहेंगी, बाकी आप लोग देख सकते हैं एग्जाम डेट नॉन टीचिंग का ये है। रीट आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रीवियस बता ही दिया है, और एपीएस का है, तो ये ऑफिशियल है ये सारी डेट्स जो एक तरीके से अपकमिंग है, जिनके फॉर्म फिल होना अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, मतलब कुछ के नहीं हुए हैं और कुछ के हो चुके हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा रिमाइंडर है आप लोगों के लिए, ये अपकमिंग है और कुछ एक तरीके से कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। एनवीएस में वैकेंसीज आप लोगों के सामने अपकमिंग रहेंगी, पोस्ट यानी कि टीजीटी एंड पीजीटी के लिए, वो भी अपकमिंग शो हो ही रहा है, देखते हैं कब तक वैकेंसीज आती हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं भाई प्राइमरी एंड टीजीटी एंड पीजीटी, इन तीनों के लिए क्या एक तरीके से कॉमन जो मतलब जो एलिजिबिलिटी है, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंडर है। प्राइमरी क्लासेस नॉर्मली 1st to 5th को टीच करने के लिए होता है, इसमें आप लोगों का 12th क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग इन चारों में से, चारों पांचों में से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं पर्टिकुलर, और फर्स्ट लेवल का सीटेट या स्टेट टेट, कोई भी स्टेट टेट आप क्वालिफाई कीजिए, वो भी कौन सा, पेपर 1, ठीक है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से किसी भी टीचिंग एग्जाम को फिल करने के लिए। टीजीटी में भी 6th to 8th क्लास तक के लिए, 8th या 10th तक आप लोग ऐड कर सकते हैं, 10th तक भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसमें ग्रेजुएशन एंड प्लस बीएड की डिग्री मानी जाती है, बीएलएड भी हो सकता है आप लोगों का, बट ग्रेजुएशन इज अ मस्ट, ठीक है। और इसमें सीटेट या स्टेट टेट आप लोगों का पेपर 2 कंपलसरी है क्वालिफाई होना, तो ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए 9th to 12th क्लास तक को टीच करने का मौका मिलता है इसके अंदर आपको, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों का बीएड होना चाहिए वैसे तो, और कहीं कहीं पर किसी किसी वैकेंसीज में बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसमें सीटेट या स्टेट टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती आप लोगों के पीजीटी लेवल में। तो ये कॉमन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग केवीएस का अलग होता है, DTTP का अलग होता है, और एपीएस का अलग होता है, तो सबका प्रोसेस अलग है, बट ये कॉमन है सभी में, ठीक है। अब चलते हैं, एक स्पेशल नोट है कि अगर भाई किसी ने बीटेक कर रखा है और कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता है, और पीजीटी आपने कंप्यूटर साइंस से किया कर रखा है, पीजीटी आपने आईटी से कर रखा है, तो वहां पर आप लोगों को सीटेट की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना बीएड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप पर्टिकुलर कोई कोर्स या डिप्लोमा कर रखे हैं वहां पर कंप्यूटर साइंस आप एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारी जो एक तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स है उसके लिए आप लोग नॉर्मली एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्पेशल नोट था आप लोगों के लिए, सीटेट की जरूरत नहीं होती, ये भी याद रखेंगे। तो ये थे कुछ कॉमन चीजें जो आप लोगों को बतानी थी, बाकी आप लोगों के जो डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं एपीएस की, और बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।